ميوك الخط ورمى ميوك الخط ورمى آيت نمبر يا ग्यारह और बारह दो आयात की तलावत करेंगे। लिखा है कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावन की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर और दुआ करने में मशगूल रहो। पाकलम के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर और अमल किए जाने पर खुदा की बरकत। आमीन, 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 हालेलुया, आमीन। तशरीफ रखें। साथ वाले को कहें खुदा मोहब्बत है, जोर से कहें खुदा मोहब्बत है। अब कहना है जागो और दुआ करो, दुआ करो, जागो और दुआ करो, जागो और दुआ करो। साथ वाले को कहें जोर से जागो और दुआ करो। कोशिश में सुस्ती ना करो, कोशिश में हम सुस्ती करते हैं। तरह तरह की सुस्तियां हमारे अंदर आई हुई हैं, बहुत सारी सुस्ती हमारे अंदर है और हम कोशिश नहीं करते कि वो सुस्ती जाए। कोशिश करेंगे तो चर्च नहीं, कोशिश नहीं करेंगे चर्च नहीं आएंगे, कोशिश करेंगे कलाम पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे प्रसिश करेंगे, कोशिश करेंगे तो रोजा रखेंगे। और इन सब को क्यों नहीं कर पाते सुस्ती? सुस्ती को छोड़ना होगा और कोशिश करना होगा, रूहानी जोश में भरे रहना, रूहानी जोश में, रूहानी आवारगी में नहीं जाना, रूहानी जोश में रहना है, होश में भी रहना है और रूह में भी रहना है, और रूह में मामूर होते हुए रूह में पाक जिंदगी बसर करना है। मैं बहुत दफा जिक्र करता हूं कि जिस्मानी नीयत मौत है मगर रूहानी नीयत हमेशा की जिंदगी है। हमें जिस्म में जीना है या रूह में, जिस्म में या रूह में, रूह में, रूह में खुदा के पाक रूह के साथ। कलाम ने कहा जो खुदावन की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक क्या है, रूह है। जब हम खुदावन में रहेंगे तो उसके साथ एक रूह में रहेंगे। हमें सुस्ती को छोड़ना होगा और खुदा के साथ एक रूह होना होगा, रूहानी जोश में जिंदगी बसर करना होगा कि हम फलां को कलाम सुनाएं, फलां को खुदा के घर में लाएं, फलां की हम मदद करें। खुदावंद की खिदमत करते हैं, खुदावंद की खिदमत करते हैं। क्या खिदमत करना मेरा काम है? क्या खिदमत करना इनका काम है, इसका काम है, इनको मैंने दो तीन है, इनका काम है। खिदमत एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। कल आपने सीखा था ना, कल आपने सीखा था ना खिदमत करते रहो, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा छेड़ा। हम समझते हैं कि सिर्फ बड़े खिदमत करेंगे, खादम करेंगे, लीड करने वाले करेंगे, प्रस्तुत करने वाले करेंगे। एक छोटा बच्चा खिदमत कर सकता है, मुनादी कर सकता है, कैद नहीं है, एज की कोई लिमिट नहीं है। हाँ जी, कौन सा बादशाह था? योशिया बादशाह। उसने क्या किया था, क्या किया था?
लोगों को बचाया, अपने मुल्क को बचाया, अपनी कौम को बचाया, इसराइल को बचाया। कैसे? वो कितने वर्ष का था? जब वो 8 वर्ष का था तो वो सल्तनत का बादशाह था, और 8 वर्ष की उम्र में उसने यरूशलेम को बुतों से पाक कर दिया। 8 वर्ष का बच्चा अगर खुदा के लिए काम कर सकता तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते? रुकावट क्या है सोचते? रुकावट क्या है दुनिया? रुकावट क्या है दुनिया की रसूमात? रुकावट क्या है दुनिया के तौर तरीके जो हमने अपनाए हुए हैं? दुनिया की रस्में हमने अपनाई हुए हैं, दुनिया के तौर तरीके हमने अपनाए हुए हैं, और हम काम करते हैं। उम्मीद में खुश, मुसीबत में साथ। आपकी उम्मीद कौन है? आपकी उम्मीद जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। अपनी उम्मीद में खुश रहें, अपने मसीहा में खुश रहें, उसके साथ रहकर खुश रहें, उसमें जिंदगी बसर करके खुश रहें, उसके साथ खड़े रहकर खुश रहें, उसके साथ चलकर खुश रहें, और उसके साथ दौड़कर खुश रहें, उसके साथ जिंदगी का एंड करके खुश हों। अपनी उम्मीद, यीशु आपकी उम्मीद है। अगर आपने जिंदगी पानी है, खुश होना है, तो अपनी उम्मीद के साथ अपने मुसीह में जिंदगी बसर करें, तो आपको दुनिया की हर चीज मिलेगी। मत्ती की इंजील की कौन सी आयत है, कोई बताएगा? 6 बाब। शायद मैं बता सकता था, लेकिन आपसे सुनना चाहता हूँ क्या लिखा है। राष्ट्रवादी कौन है? बादशाह ही कौन है? यीशु को तलाश कर लें, यीशु को पा लें, दुनिया की हर एक चीज आपके लिए है। वो इस वक्त भी आपको दुनिया की सब चीजें मिल रही हैं। सूर्य सबके लिए निकलता है, भी सब पर बरसता है, ना पाक लोग भी हैं, ना रास लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन सबको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन वो बरकतें जो खुदामंद वे हैं वो नहीं मिल रही। मेरे और आपके प्लान्स खुदा की हजूरी में हैं। जब मैं भी पैदा भी नहीं हुआ था, आप पैदा भी नहीं हुए थे, खुदा आपके तलक से सब कुछ जानता था कि आपकी जिंदगी में क्या वाक्य होगा, क्या आपकी जिंदगी में एक्सीडेंट होगा, क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी, क्या आपकी जिंदगी में बीमारी आएगी, क्या आपके खानदान में प्रॉब्लम आएगी। खुदा पहले से जानता है, और पहले से वो हमें भी आगाह करता है कि तुमने कैसे बचना है, तुमने कैसे जिंदगी बसर करनी है। हम सुनते हुए भी सुनते नहीं हैं, और कलाम में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले करो कलीसिया से। हम सुनने की हद तक रखते हैं, अमल करने तक जाते नहीं। मुबारक है वो शख्स जो इस किताब को पढ़ता है, इसको सुनता है, और इस पर अमल करता है। अमल करने वाला मुबारक है। कलाम लिखा है कि महज सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बन जाओ, अमल करने वाले बन जाओ। खुदा ये फरमाता है, मुसीबत में साबर। साढ़े भी मुसीबत आ जाए तो अभी परेशान, असी हाल पारे पाल बवेले करने। मैं ही लगा खुदा, साढ़ा खानदानी मेरे, मैंने आपको पहले बताया खुदा आपके प्लान्स को जानता है, खुदा आपकी जिंदगी को जानता है, जो आपके फ्यूचर है वो भी खुदा जानता है, जो जो आपके साथ विषय होगा वो भी वो जानता है। प्रॉब्लम हमारे अंदर है कि हम उनको खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि हम खुदा के हजूर पाक जिंदगी बसर नहीं करते, हम उसकी हजूरी में आते नहीं, हम उसके साथ उसके कवानीन, उसके आइन, उसके असूलों को नहीं अपनाते, और हम उसके मुताबिक जिंदगी नहीं बसर करते, और इसीलिए हम उन मुसीबतों में पड़ जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। अय्यूब की जिंदगी हमारे सामने है, कितनी मुसीबतें उस पर आई, माल दौलत, जानवर, हर एक चीज उसकी खत्म हो, यहां तक उसकी औलाद मर गई, उसकी औलाद भी मर गई, लेकिन वो साबर रहा,
उसने कहा खुदा तूने दिया तेरा ही नाम भाई। दुआ करने में मशहूर मेरा नाम है, दुआ करो चाहते रहो और दुआ करो, हिम्मत नहीं हारनी दुआ में। दुआ करना सबसे ही मुश्किल काम है, इजी नहीं है, दुआ करना सबसे मुश्किल काम है। ब्रांचेस में 24-24 घंटे दुआ हो रही है, 12-12 घंटे दुआ हो रही है। हम दुआ में मशहूर नहीं है। मशहूर का क्या मतलब है? हाँ जी पढ़े लिखे बच्चों, मशहूर का क्या मतलब है? हॉबी किसको कहते हैं? मशगला, हॉबी। आपकी हॉबी दुआ करना होनी चाहिए, आपका मशगला दुआ करना होना चाहिए। हमारे मशगले बहुत हैं, टिकटॉक बनाना मशगले, आपके मशगले हमारे मशगले, टिकटॉक बनाना, टिकटॉक देखते रहना, टिकटें इकट्ठी करना, कॉइन्स इकट्ठी करना, परिंदे इकट्ठे करना, जानवर इकट्ठे करना, ये हमारे मशगले। हमारा मशगला दुआ करना होना चाहिए। हमारे मशगले रंग बरंगे कपड़े इकट्ठे करना, भावे पैर रहन साफ साफ, दो दो साल पैर रहन, जेवर इकट्ठे करना पैर रहन भावे सालों साल, क्या फायदा? ये दुनिया की चीजें माती हैं, मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। दुआ एक ऐसी चीज है, दुआ एक ऐसी पावर है, जैसे भाई नहीं कह रहे थे कि दुआ का रंग नहीं, रंग नहीं है लेकिन ये रंगों को लाती है। दुआ नहीं है लेकिन ये रंगों को लाती है, आपकी जिंदगी को रंगीन कर देती है। रब सच मुझ उसकी सुनता है दुआ जिसको, दुआ करने में मशहूर हो जाओ मेरी बहनों भाइयों बच्चों। छोड़ दो टिकटॉक बनाने, छोड़ दो टिकटॉक का मशगला, छोड़ दो कपड़े जोड़न से जुतियां जोड़न का मशगला। ये मशगले बनाए ने सी गुड़ियां ते बंदियां ने, घड़ियां इकट्ठियां करनियां, पेंटां दियां बेल्टां नवीं नवीं इकट्ठियां करनियां, मुर्गियां इकट्ठियां करनियां, कोके इकट्ठे करने, यीशु ने ऐसी तालीम नहीं दी। छे छे सात सात दस दस बारह बारह निश्चित कर ली, बारह बारह पंद्रह पंद्रह नौ पाल छे। वो खुदा ने आपको अपनी सूरत पर बनाया है, अपनी शिकी पर बनाया है। जब खुदा ने आदम हवा को बनाया था क्या नेल पॉलिश लगी थी? क्या लिपस्टिक लगी हुई थी? क्यों अपनी शक्लों को बिगाड़ते हो? मैं गलत नहीं कह रहा, मैं हकीकत बात बता रहा हूं। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि पर बनाया था। हम उस सूरत का उस छवि का सत्यानाश कर देते हैं, रंग बिरंगियां क्रीमा लाला के अपने चेहरे की बर्बादी ला देती है। ये कोई दुआ की होंगी दुनिया भी खूबसूरत होंगी, घर भी खूबसूरत होंगे, चेहरे से रौनक होंगी, नूर होगा। हमारे की किताब जो दुआ के कुछ बोल होंगे उन्होंने लिखी होंगे, उन्हें जिंदगी च रंग होंगे। असि दुआ की कुछ बोली इसे नहीं, चेहर के उत्ते लिपस्टिक ने क्रीम ने नौ पालिशा ने मुख्तलिफ तरह के डिजाइन ने, मुंडिया के भी कुड़िया के भी सारे, क्योंकि असी खुदा की सूरत को संभालना नहीं बिगाड़ना है। हमारा पहला बाप 14 है, यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। ये 120 की जमात है और दुआ में मशगूल है।
उन्होंने दुआ को छोड़ा नहीं, तरक नहीं किया, वो दुआ में लगे हुए हैं। और जब वो दुआ में मशगूल थे, लगे हुए थे, तो ईद 35 को उसका दिन जब आया तो सब एक जगह जमा थे, यका यका आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा, एक रंग दुआ करने का एक रंग नजर आया, जोर की आंधी का सन्नाटा, उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। दूसरा, उन्होंने आग के शोला किसी पटकी हुई जुबाने दिखाई की और हर और उन में से हर एक पर आठ है। दूसरा रंग, तीसरा रंग, और वो सब रूह उससे भर गए, गैर जुबाने बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत। वो खुदा में मगन थे, वो दुआ में मशगूल थे, दुआ का रंग नजर आया, दुआ का रंग नजर आया कि नहीं नजर आया। नीनवा के लोगों के खिलाफ यूना नबी ने नबूवत की, तो जब उन्होंने दुआ की, जब उन्होंने तोबा की, जब उन्होंने रोजे रखे, तो रंग नजर आए कि नहीं आए? आए ना। खुदा ने सारी कल कसूस होकर माफ कर। आज हम तीन दुआओं के तलक से सीखेंगे। दो दुआएं हैं, जब दुआ की जाती है तो आसमान से आग नाजिल होती है। क्या नाजिल होती है? आग नाजिल। कल बच्चों आपने सीखा था, पहला उस्ताद कौन था? क्या था? एलिया। क्या था? उस्ताद था। और उसका शागिर्द कौन था? और एलिशा का शागिर्द कौन था? वफादार कौन था? बरकत किसने पाई? लानत किसने पाई? आप बरकत के लिए बुलाए गए या लानत के लिए? हाँ जी, बरकत के लिए। तो जो बरकत के लिए काम करते हैं वो दुआ करते हैं। वो क्या करते हैं? बरकत पानी है तो दुआ करया करो, घराने बचाने ने तो दुआ करया करो, खानदाना नु कलीसिया नु बचाना तो दुआ करया करो। दुआएं करेंगे तो रंग नजर आए, आपकी जिंदगी रंगीन होगी, फिर रंग लाने की लोड़ नहीं पड़ेगी। आपकी जिंदगी मसीह में रंगीन हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। आमीन। आपने शायद पहले भी कलाम सुनाओ, एलिया का मुकाबला कितने झूठे नबियों के साथ था। बाल के जो पुजारी थे कितने थे? हाँ जी, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या हो गया? कितनी बार हमने सीखा? बहुत दफा, बहुत दफा आपने सीखा। चलो नहीं भाई, दूसरी गल कर। साढ़े चार सौ झूठे माबूदों के बाल पुजारी, और एलिया अकेला खुदा का बंदा था। एलिया सच्चाई को बयान करने वाला था, वफादार था। खुदा ने आपको भी इसीलिए बुलाया है, खुदा ने आपको भी मसीही इसीलिए पैदा किया है कि आप सच्चाई पर कायम हो, आप वफादार हो, आप खुदा के साथ ताबेदार हो और आप सच्चाई को बयान करें। एलिया ने सच्चाई को बयान किया, एक ही खुदा है जो आसमान और जमीन का खालिक मालिक है, एक ही सजदों के लायक है, एक ही प्रस्तुति के लायक है, वो यहोवा खुदा है। जब उनके साथ मुकाबला शुरू हुआ तो उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने दो बैल लिए, एक बैल
बाल के पुजारियों ने लिया और उन्होंने उसके टुकड़े किए, उसको कुर्बानी के लिए रख दिया और वो सुबह से शाम तक नाचते रहे, कूदते रहे, अपने आप को घायल करते रहे, अपने आप को मारते रहे, पुकारते रहे और एलियन का मजाक उड़ा। शायद ताडा मंगू सुता रस्ते जे आ रहा है, लेकिन कुछ ना। जब एलिया की बारी आई तो एलिया ने सबसे पहले पत्थरों का मजबा बनाया। मजबा बनाकर उसने लकड़ियां चुनी, कुर्बानी रखी, फिर लकड़ियां रख ली गई और फिर उसने हुक्म दिया कि इसके चौगिर्द, मजबा के चौगिर्द खाल खोल दिया जाए और उसको भी पानी से फुल भर दिया। उसको पानी से फुल, उसने कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं की। फिर एलिया ने कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं, कैसी दुआ की उसने सुनिएगा। सलातीन, पहला सलातीन उसका 18 बाब उसकी आयत नंबर 37 में लिखा है। जी मिल गया, आमीन। लिखा है, मेरी सुन ऐ खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जाने जान जाएं कि ऐ खुदावंद तू ही खुदा है और तूने ही फिर उनके दिलों को फेर दिया है। तब खुदावंद की आग नाजिल हुई और उसने उस सौपत्नी कुर्बानी को, लकड़ियों को, पत्थरों को, मिट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाल में था। आमीन, हालेलुया। एलिया की दुआ से आसमान से आग नाजिल हुई। हमारी दुआ से क्यों आग नाजिल नहीं हुई? क्यों? क्योंकि हमारे अपने मजबे बुझे होंगे, हमारे घरों के मजबे बुझे हुए हैं, चर्चेस के मजबे बुझे हुए। आपका दिल क्या है? आपका दिल मजबा है। पाखरू की आग आपके दिल के अंदर लगी रहनी चाहिए। बड़े शौक से हम कहते हैं, बड़े रोब से हम कहते हैं कि जी मैं तो खुदा का मकदस हाँ, कि खुदा का रूह मेरे अंदर बसे है कि आग होगी। कलाम में लिखा है कि मजबा पर आग जलती रहे और एक जगह लिखा है कि आग मजबा पर हमेशा जलती रहे। तुम कहो जो मजबे हो, असी किस तरह के मजबे हैं कि आग ही नहीं। भाई आपके अंदर आग होगी तो आपके खानदान के अंदर भी आग जलेगी। अगर आपके अंदर और खानदान के अंदर आग होगी तो मजबा पर भी आग जलेगी। चर्च का मजबा बहाल रहेगा, आबाद रहेगा। आए अपने मजबों को दुरुस्त करें, आए टूटे फूटे मजबों को दोबारा से तामीर करें और दुआ करें कि खुदा आसमान से आग बरसाए, जैसे एलिया ने दुआ की और खुदा ने आग बरसाई और कुर्बानी भी चट हो गई, लकड़ियां भी भस्म हो गई, मट्टी भी जो खोदी गई थी निकाली गई थी, खाल बनाया गया था वो भी चट हो गया, पानी भी चट हो गया, पत्थर भी चट हो गए, हर एक चीज भस्म हो गई। खुदा भस्म करने वाली आग है। उस आग से ना डरे, वो आग आपको प्योरीफाई कर देगी, वो आपको पाक साफ कर देगी और वही आग आपकी जिंदगियों के अंदर जब चलेगी तो मौजजात होंगे, शिफाएं होंगी, जिंदगियों में खुशहाली होगी, जिंदगी में जलाल 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 ही होगा। आमीन।